सारी बातें छोड़ हंसना मुंह मोड़। जी जी ये गाना भी और इसके साथ और भी बहुत कुछ। पप्पू लश्कारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में टॉक शो सेंट्रल को भी। सलाम अलैकुम जी, फिर देखिए मेरी गणीण कलर की टोपी। नहीं नहीं नहीं, 14 अगस्त नहीं मना रहा पप्पू। नहीं जी, ना ही मैं अपने सर की जुओं को कैद कर रहा हूँ। पप्पू जो है ना वो जरा ऑनलाइन टाइप का आदमी है। पप्पू को हर चीज की खबर होती है। अभी पप्पू ने सुना है कि ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले हैं ये बड़े छापे छापे मार रहे हैं आजकल। हर ढाबा बंद कर रहे हैं, हर रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। और पता परेशानी की बात ये है कि मैंने सुना है कि वो रिश्वत नहीं लेते। सच्ची बात है, मुझे तो लगा कि या तो ये झूठ है या फिर ना पंजाब हुकूमत ने कोई अंग्रेज हायर कर लिया। तो पता नहीं, खैर जो भी है जी, हमें इससे क्या। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो गई है ना, ये जो कस्टमर होते हैं ना ये भी अब ऐसे बन गए हैं जैसे फूड अथॉरिटी के हों हैं जी, कि जैसे इनका भी कोई ऐसे सीन हो और ये भी आ गए ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं। अब इन्हीं कस्टमरों को ले लो, मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे चाय पीने नहीं पप्पू का रिश्ता लेने आए हैं। हैं, दसो, हर बात में नुक्स निकालना, हर बात में बहस करनी, वेरी बैड। पप्पू लश्कारा दिलों का बारा सब दा यारा हर वेले करदा ए रेंदा तारा रा 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 ऑनलाइन करे सारे वेट जिसे जावे बन जावे स्टेज एट द डिफरेंट स्टाइल एट द डिफरेंट टेस्ट पब्लिक डिमांड शे एट द फेस मुड़ा लश पश वेखो ए दे तशन वेखो किवे टुरदा नहीं मुड़दा औखा होवे ते सीधा जुड़दा चाय विच मिठा पत्ती तेज रखदा गर्लफ्रेंड अपनी अंग्रेज रखदा एनू सामना किसे दे नहीं यो फसदा पप्पू लश्कारा दिलों का बारा सब दा यारा हर वेले करदा ए रेंदा तारा रा 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 ए मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा दी मेरा नाम थीलू है ये कैसी चाय है मैडम ये थादी का है ओए बड़ी तुम्हारी बन मक्खन जैसी सेहत है और तुम्हारे पास से नहीं गुजरी। मैडम के कहने का मतलब है कि इस चाय में ना जान नहीं है। हैं? तो ताई दान दाल भी होती है। मैडम हम ताई बेचते हैं, तितन नहीं बेचते कि जिंदा मुर्गी का रेत लेता हो, कटी वीता लेता हो। वास बंद करो। ये बताओ चाय में दूध कौन सा डालते हो? तो पहले तो जी हम ठंडारे के आटे वाला भी डाल देते थे, लेकिन अब छापे इतने पलते हैं कि हम डब्बे के दूध की बनाते हैं। मैडम देख रहे हैं आप क्या फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट में? थे वे थे फ्रॉड, तौबा तौबा, अब तो जी केमिकल वाला दूध आ गया है, लेकिन वो वाला ना हम सिर्फ उस दिन डालते हैं जिस दिन बड़ा रश होता है। लाली सदके जाए पप्पू तेरे लिशकारों पे, क्या तुझे ऑपरेशन थिएटर के बाहर नौकरी तो नहीं मिलगी? वो भी करूंगा, एक दिन जरूर करूंगा, लेकिन जिस दिन तेरा बाप अंदर अपने पत्थरियों वाले गुर्दे का ऑपरेशन करा रहा होगा। पप्पू तुझे बड़ी टेंशन है मेरे बाप की। फिर बाहर आके पप्पू बड़े फखर से ऐलान करेगा, मुबारक हो निकल गई है पत्थरी। नहीं जान, बड़ी काली जुबान है तेरी पर दिल का साफ है। और वैसे भी पप्पू ना जरा ऑनलाइन टाइप का आदमी है। लाली मैं तो ये सोच रहा था कि हम ना उसी दिन नकाह भी कर लेते हैं, बार बार देखे नहीं ना पकवानी पड़ेंगी। ये तुम लोग अपने ढाबे की सफाई कब करते हो? दबालित होती है वो ना, ढाबे की थत पकती है तो दबालित होती है ना, तो थाला कीतल हो जाता है, फिर हमें सफाई करनी पाली जाती है। देख रही मैडम क्या अंधेर नगरी मचा रखी है इन फूड बेचने वालों ने। तुम रुको मैं इससे बात करती हूँ। ये चाय का रंग इतना तेज कैसे है? मुझसे तो ऐसी चाय नहीं बनती घर में। मुझे पहले ही था आपको चाय नहीं बनानी आती, आप भी ना मेरी बीबी की तरह बिल्कुल नितम्मी और ताम तोल। मैडम मुझे ना ये कुछ जासूस लग रहा है, इसको तो सारा कुछ पता है आपके बारे में। बकवास बंद करो, अपना भूल गए फुटपाथ के ऊपर दुपट्टों को पीको करते थे और खुद को डिजाइनर कहते थे? ओ मैं भी अपने गांव का ना थपथे वाला फैशन डिजाइनर था, ये धोती के नीचे दागल मैंने तो किए थे। ओए ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जुराबे सुन के बता दिया करता था कि कितने दिनों से नहीं बदली। वैसे आपस की बात है, ये दोनों जो है ना ये पप्पू को जरा मशकूक लग रहे हैं। बड़े शुक्र की बात है कि ये जो शीलू है ना इसने इनको बताया नहीं कि हम चाय में ना पत्ती की जगह कभी कभी ना ब्राउन कलर डाल देते हैं और कभी ना पहाड़ के पत्ते भी डाल देते हैं, वो तरह लाली आ जाती है ना उसकी वजह से चाय पे। ओहो लाली से याद आया कि वो लाली के साथ मैंने वो औरतों वाले बाजार भी जाना है। भाई पता क्या करता है, जब लाली जाती है औरतों वाले बाजार भाई भी साथ चल पड़ता है, बुरका पहन के ना अंदर घुस जाता है। वो तंग तंग गलियां होती हैं, रश होता है, बड़ा मजा आता है जब कोई औरत ऐसे करके कहती है अरे बहन जरा साइड पे होके चलना। अच्छा नहीं लाली
लाली सद के जाए पप्पू तेरे लश्कारों पे, मुझे ऐसे ना डराया कर। अच्छा लाली, पप्पू को ये बता कि तुझे प्यार से ज्यादा डर लगता है या थप्पड़ से? मुझे ना थप्पड़ से डर लगता है, क्योंकि मच्छर के काटने से भी थप्पड़ पड़ जाता है, तो मेरी स्किन का मसला है ना। अच्छा अच्छा, ये बता कि वैलेंटाइन डे पे क्या लेगी? लाली को पप्पू की इज्जत चाहिए बस, वो कहीं से ढूंढ के लाते। ये तो बड़ा मुश्किल काम बता दिया तूने, ऐसी बातें करके पप्पू को ऑफलाइन ना कर दिया कर। अच्छा खैर, ये बता कि सूट चिकन का लेगी या कॉटन का? पता नहीं कि हर चीज़ में चिकन कहाँ से आ जाता है। मैं ना चिकन का सस्ता वाला सूट नहीं, मैं मटन का महंगे वाला सूट लूँगी। मटन नहीं होता, कॉटन होता है। सारे रमैश की भैंस की दुम करके ही रख देती है। बस शुरू बहुत होगी तुम्हारी बकवास। दूध क्या, पत्ती क्या, चीनी क्या, तुम लोग तो हर चीज में मिलावट कर रहे हो और ऊपर से आकड़ के दिखा रहे हो। बंद करो ये अपना भैंसे जैसा मुंह। बात मैडम बात, जितनी औलत की इधर तली जाना तली है, मुझे ज्यादा दूधा तले ना तो मैं थादी तल लेता होता हूँ, ईजी नहीं लेना। ओए टूटे चित्र की तरह बढ़ते ही चले जा रहे हो। मेरी मैडम की ना बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, इस काम के लिए ना उनके हस्बैंड ही काफी है। शिवू बकवास बंद करो अपनी, मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की डायरेक्टर फायजा मुमताज हूँ और तुम लोगों को मिलावट करने के जुर्म में 3 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी 3 लाख या 13 लाख डाल दो, नो टेंशन। हैं वो कैसे? तो पैसे हैं ही नहीं तो फिर टेंशन दे दी। देखा फिर, पप्पू को पहले ही शक था कि ये लोग जो हैं ये मशकूक हैं। ऊपर से जो हमारा मुलाजम शिलू है ना, ये भी एक बहुत बढ़िया आइटम है। वो देखे ना जी, सफाई तो बंदा करता ही है, हम भी ओब्वियसली ढाबे की सफाई करते हैं, पर इतनी डिटेल में तो कोई सफाई नहीं ना कर सकता। अब ये प्रॉब्लम ही है, चलें फिर ऐसा करता हूँ कि लाली को आगे कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये ना समझें कि पप्पू को डर रहा है, पप्पू डरता वरता नहीं है, पर अगर पप्पू इस फड्डे में पड़ गया ना तो 2-4 बंदे तो पप्पू ने ऐवें भड़का देने हैं। देखें जी, पाकिस्तान होर कितनी तरक्की करे, यहाँ पे भैंस के बगैर दूध मिलता है, जानवर के बगैर गोश्त मिलता है, मुर्गी के बगैर अंडा मिलता है। ऐसी टेक्नोलॉजी और किसी मुल्क के पास है? दिस इज पाकिस्तान, बी पाकिस्तान बाय पाकिस्तान। लाली सच के जाए पप्पू तेरे लिश्कारों पे, आज पापा घर नहीं कब्रिस्तान गए हैं। तो मुझे कह देते अपने कंधों पर छोड़ कर। वे पप्पू ना किया कर उनकी रिस्पेक्ट इतनी, वो इस काबिल नहीं है। अम्मी की कब्र पे गए हैं। या तेरा बाप अभी तक तेरी माँ पे इतना शक करता है, हर हफ्ते कब्रिस्तान पहुंच जाता है। लाली सत के जाए अपनी बाप की मोहब्बत पे बड़ा याद करते हैं अपनी बीवी को। तो वो उनको अपने पास ही क्यों नहीं बुला लेती? क्यों, अभी ऊपर सेट नहीं हुई? यहाँ दुनिया में तो सेकंड नहीं लगाती थी सेट होने में। वे पप्पू तो कितनी मोहब्बत करता है ना अपनी होने वाली मरहूम सास से, सब बातें याद है तुझे। ये लोग शीलू से क्या बहस कर रहे हैं? चाय में फिर मक्खी तो नहीं निकल आई? लाली बड़ा सख्त मसला हो गया, अभी ना इस रोमैश मैश को रहने देते हैं, आजरा मेरा मसला तो हल करा। तो आप हैं इस ढाबे के मालिक, शर्म आनी चाहिए आपको, और ये काम वाली तो बड़ी फैशनेबल रखी हुई है आपने। एक्सक्यूज मी मैडम, ये काम वाली तब लगती है जब इसने मेकअप ना किया हो, अभी तो मेकअप किया हुआ है, शहजादी लग रही है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एक हफ्ते के अंदर ना 3 लाख रुपए जमा करवा दो, नहीं तो ये ढाबा मुस्तकिल तौर पर सील कर देंगे। अगर पप्पू के पास 3 लाख रुपए होते तो सालगिरह पे ढंग का गिफ्ट ना दे देता, लंडे का स्वेटर ला के कहते लिबर्टी से लाएंगे। उताद, आज तो आपकी बाकी ऑनलाइन बिती होगी है। उताद, ये 50,000 रुपए रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी वाले तो रिश्वत देते ही नहीं। ये क्या खुसर पुसर लगा रखी है, 3 लाख रुपए नहीं दे सकते, तो इसका हाल भी मैंने बता दिया शिलू को। अच्छा अब पप्पू समझा कि सारी गेम क्या है। मेरा ख्याल है कि पप्पू को ना आप कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, अपनी वो फीलिंग लानी पड़ेगी और अपनी छठी हिस्से पे जोर देना पड़ेगा। लाली सत के जाए पप्पू तेरी छठी हिस्से पे। अब पप्पू कॉन्सेंट्रेट करने लगा। पता क्या कर, बाहर जाके जरा मुझे फोन कर। अच्छा उस्ताद, मैं तौदी साहब से पैसे लेते आता हूं। हां ले आओ ले आओ। ओए पूरे 50,000 गिन के लाना। देखा मैडम, पप्पू लश्कारा कितना सियाना आदमी है। ऐसे नहीं कोई बिजनेसमैन बन जाता। हेलो, हाँ जी डीआईजी साहब, क्या हाल चाल है आपके? और जी जी जाहिर है आप डीआईजी साहब हैं। नहीं नहीं, पप्पू का ढाबा खुला है, आपको पता है पप्पू का ढाबा तो कभी भी बंद नहीं होता ना। हाँ जी हाँ जी, आपकी फेवरेट दूध पत्ती पिलाऊंगा आपको, आ जाए आ जाए। हाँ जी हाँ जी, वो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले नहीं है? जी जी वो भी आए हुए हैं, एक बंदा आया है और एक लेडीज आई है साथ। हाँ जी, नहीं नहीं जाली नहीं है जी, असली है।
आ जाएं आप डीआईजी साहब आ जाएं, वो इधर ही हैं। शुक्रिया जी। वो टोनी भूल गए, गुलबर्ग में भी हमने छापा मारना था 3 रेस्टोरेंटों में। छोड़ो इस ढाबे को, निकले हम यहाँ से। हाँ हाँ। भाग गए बड़े पंजाब फूड अथॉरिटी वाले। पप्पू के सामने क्या सीन है? पप्पू सब चले गए, घर में भी कोई नहीं और ढाबे पे भी कोई नहीं। चल अब ये कैमरा तो बंद करवा देना। ओए ये कैमरा चल रहा अभी तक? आ जाना है, बंद कर दे कैमरा, एपिसोड खत्म हो गया। करें करें बंद। पापल तलाले